आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद। रुद्राक्ष का विज्ञान भाग एक। रुद्राक्ष अपने व्यापक लाभों के लिए जाना गया है, जैसे आध्यात्मिक स्वास्थ्य, समुद्धि, मानसिक ग्रंथि मोचन, भयमुक्ति, भावात्मक परिशोधन। पुराणों में इसकी महिमा वर्णित है। शिव पुराण में एवं श्रीमद् भागवत पुराण में रुद्राक्ष दोनों की काफ़ी प्रशंसा है। जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे हत्या सहित समस्त प्रकार के पाप, निषिद्ध भोजन, धोखाधड़ी इत्यादि से क्षमा मिलती है और पापी के विचार एवं कृति परिकृत होती है। भय मुक्ति इन बीजों का मूल प्रभाव है। लिखा गया है कि भगवान शिव ने जब मनुष्य जाति को पीढ़ी दर पीढ़ी नाना प्रकार से दुखों से तड़पते देखा तो स्वयं और ब्रह्मा जी से पूछा, हम लोग मनुष्य जाति की उत्पत्ति व विनाश की लीला रच कर उसे क्यों अनंत यातनाएं देते हैं। जब उन्हें इस प्रश्न का समाधान कारक उत्तर नहीं मिला तो उन्हें की आंखों में से अश्रु जलने लगे और जहाँ जहाँ अश्रु पड़े कहते हैं कि वहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उगे। इस कथा का बोध यह है कि रुद्राक्ष बीजों का एक प्रयोजन है और वह है दुखों का निवारण। यह कई लोगों का अनुभव है कि रुद्राक्ष पहनने से स्वास्थ्य, सुख, मनोशांति और समुद्धि वर्जित होते हैं, तथापि संबंध पुराणों में उसकी पाप निवारण क्षमता पर बल दिया गया है। आध्यात्मिक पथ पर चलने के लिए शरीर, मन एवं अंतकरण गंत संस्कारों से मुक्त होने चाहिए। ज्ञान प्रभावी होने के लिए साधक को भूत, वर्तमान एवं भविष्य को विस्तृत करना चाहिए। रुद्राक्ष इस प्रयोजन के लिए एक आदर्श साधन है, क्योंकि उसके विचार शोधन की एवं मनुष्य को आध्यात्मिक पथ पर चलने योग्य बनाने की शक्ति सुपरिचित है। इससे मनुष्य अपने जीवन को नए आत्मविश्वास के साथ शुरू कर सकता है। रुद्राक्ष का विज्ञान का भाग एक समाप्त। आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं इस तरह के बहुत सारे टिप्स, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस ट्रेनिंग वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपना कमेंट दें। धन्यवाद।